हाय एवरीवन, वेलकम टू फिल्म विंडो। मैं हूं रित्यांशी और लेकर आई हूं आपके लिए एक एक्साइटिंग खबर। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें सुपर डांसर और इंद्राणी के बारे में, तो फिलहाल सोनी टीवी को अगर सबसे ज़्यादा फायदा किसी दो शोज से हो रहा है तो वो यही दोनों शोज हैं, सुपर डांसर और इंडियन आइडल सीजन 12। ऐसे में इंडियन आइडल सीजन 12 तो हर जगह पॉपुलैरिटी में छा रहा है और टॉप पोजिशंस पर है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सुपर डांसर इंडियन आइडल की तरह ही उनके ही मुकाबले में टॉप नॉच पोजीशन पर कैसे आए जहाँ पर पॉपुलैरिटी की बात आती है। तो अब ऐसा लगता है जैसे इंडियन आइडल के जो मेकर्स हैं उन्होंने एक बड़ी चाल चली है, एक बड़ा मूव खेला है। तो क्या है कि जब दमन में शूटिंग हो रही थी, अब तो खैर टीम वापस आ चुकी है, दमन में शूटिंग हो रही थी तो इंडियन आइडल की पूरी टीम यानी पूरे सारे कंटेस्टेंट्स और सुपर डांसर के सारे कंटेस्टेंट्स पूरी टीम एक ही होटल में ठहरे हुए थे। ऐसे में इंडियन आइडल के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो सारे कंटेस्टेंट्स सुपर डांसर के छोटे छोटे नन्हे कंटेस्टेंट्स के साथ, बच्चों के साथ अक्सर मस्ती करते हुए पाए जा रहे थे और गाना गाते हुए पाए जा रहे थे। रिसेंटली पवनदीप ने भी सुपर डांसर के कंटेस्टेंट के लिए गाना गाया, वो वीडियो वायरल भी हुआ है बहुत। तो अब ऐसा ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स की जो पॉपुलैरिटी है, हर कोई जानता है कि वो पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि उस पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाते हुए सुपर डांसर के कंटेस्टेंट्स को बार बार उनके साथ यू नो शामिल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, ताकि उस पॉपुलैरिटी का फ़ायदा जो है वो सुपर डांसर को, उनके कंटेस्टेंट्स को। जी हाँ,